ग्यारहवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब सतत विकास लक्ष्य डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में किस जिले को प्रथम रैंक मिला है, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद या दुर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमतरी को छत्तीसगढ़ एसडीजी, याद रखिएगा सीजीएसडीजी में डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो धमतरी को पहला स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा जो है ये फर्स्ट हमारा धमतरी, दूसरा हो गया राजनांदगांव, तीसरा जो हो गया तीसरा बालोद और दुर्ग दोनों को एक साथ दिया गया है तीसरा। ठीक है, धमतरी पहला, राजनांदगांव दूसरा, बालोद और दुर्ग को तीसरा स्थान मिला है। ये जो रैंक है इसको जारी करता है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है इस रैंक को। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में, ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट, इसमें पहला स्थान किसको मिला है। एक्चुअली ये क्या था कि जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद जो होता है उसके द्वारा देश के जो सभी राज्य के जितने भी जिले हैं उन सब के लिए इस सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो अगर छत्तीसगढ़ के अंदर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पहला दुर्ग को मिला था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहला दुर्ग को, फिर दूसरा रायपुर को, तीसरा राजनांदगांव, तीसरा जो है राजनांदगांव, और चौथा बिलासपुर और सरगुजा को संयुक्त रूप से मिला था स्थान। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए बारहवां प्रश्न, बारहवां प्रश्न है कि वजन, ये वजह नहीं ये वजन है, ठीक है, वजन त्यौहार के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुपोषण की स्थिति का प्रतिशत कितना है। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुपोषण कितना है हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17.76% जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति है, इतना इतना प्रतिशत छत्तीसगढ़ के अंदर कुपोषण है। ठीक है, ये इसका जारी करता कौन है, तो वजन त्यौहार के अनुसार किया गया है। तो इस वजन त्यौहार को कौन जारी करता है, तो छत्तीसगढ़ का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। ठीक है, या फिर बाल विकास जो है कौन, छत्तीसगढ़ का महिला एवं बाल विकास, ठीक है, मंत्रालय जो है छत्तीसगढ़ शासन, उसके द्वारा वजन त्यौहार के अंतर्गत जो ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17.76% जो है क्या है, अभी कुपोषण की स्थिति है। ठीक है, वहीं अगर पिछले वर्ष देखा जाए, विगत वर्ष में देखा जाए, ठीक है, विगत वर्ष में, तो वो था 19.86, मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2.1, ठीक है, अगर घटाएंगे तो आपको 2.1% की यहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। अच्छा, 34.373% क्या है, तो याद रखिएगा ये सुकमा का कुपोषण प्रतिशत है। ठीक है, याद रखिएगा सुकमा का कुपोषण प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है, और वहीं जो 10.04 है ये जो है न्यूनतम है, और ये मुंगेली का है। ठीक है, मुंगेली का, और सबसे न्यूनतम वहीं पे मुंगेली के अंदर ही कुपोषण की स्थिति है, याद रखिएगा। वजन त्यौहार जो है ना, ये वजन त्यौहार, इसका शुरुआत आंगनबाड़ी में ना 2012 से किया गया था। ठीक है, आंगनबाड़ियों में वजन त्यौहार की शुरुआत कब से, 2012 में शुरू किया गया था। अच्छा, एक और चलाया गया था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब, तो ये 2 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे, एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, इसके रिपोर्ट के अनुसार भी कुपोषण की प्रतिशत जो है जारी किया जाता है, कुपोषण दर को जारी किया जाता है। तो NFHS के द्वारा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण है वो 31.3% है। ठीक है, CG में, वहीं इसी के NFHS के द्वारा ही अगर इंडिया का कुपोषण रेट देखा जाए तो ये 32.1% है। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल इंडिया से हमारे छत्तीसगढ़ में कम ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 12वां था। चलिए 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर MMR, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR, जिसको हम मातृत्व मृत्यु दर 2018-20, देखिए मातृत्व मृत्यु दर जो है ना 1 लाख, ठीक है, 1 लाख शिशु, ठीक है, 1 लाख शिशु जो कि जन्म ले चुके होते हैं, ठीक है, 1 लाख शिशु के जन्म में जितने माताओं की मृत्यु होती है ना उसी को हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म होने पर, ठीक है, 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म होने पर जितनी माताओं का
मृत्यु होता है उसको हम क्या कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर, MMR कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2018-20 का डाटा आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जारी ही नहीं हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में ये कितना है, 97, 195, 137 या फिर 19? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में जो MMR है वो कितना है, 137 है, याद रखिएगा, 137। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में कितना है, 97। भारत में मातृत्व मृत्यु दर जो है 97 है। वहीं पे अगर जो 195 आप देख रहे हैं ना, ये असम का है, असम में मातृत्व मृत्यु दर 195 है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। और ये 19 देख रहे हैं, ये केरला का है, जो कि सबसे कम है भारत के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 13। 14वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति के अंतर्गत विनिर्माण उद्यम के लिए महिलाओं को कितना राशि तक का ऋण दिया जा सकेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो राज्य महिला उद्यमिता नीति लेकर आया है, ठीक है, याद रखिएगा, कौन सा, राज्य महिला उद्यमिता नीति। इस नीति का कब से कब तक है, तो 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028, ठीक है, तक का ये नीति है। इस नीति के अंतर्गत महिलाओं को भी ऋण दिया जाएगा, ताकि वो भी अपना उद्योग चला सके, अपनी संस्था का शुरुआत कर सके, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रोवाइड किया जाए। तो किस क्षेत्र में बोला है, तो विनिर्माण के क्षेत्र में अगर बोलेगा तो 50 लाख रुपये तक का उनको ऋण दिया जा सकता है विनिर्माण में। वहीं जो 25 लाख रुपये तक का ऋण जो है सेवा उद्यम के लिए मिलेगा, ठीक है, सेवा उद्यम के लिए कितना, 25 लाख। और अगर कोई व्यवसाय शुरू करना है, ठीक है, अगर कोई व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण उनको दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदिवासी, अब यहाँ पे योजना की शुरुआत हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 2023 को इस योजना की शुरुआत किया गया था। लाल बाग मैदान जो जगदलपुर बस्तर में है, वहीं पर इसकी शुभारंभ की गई थी। और इसके लिए क्या है कि एक अनुदान राशि डिसाइड किया गया, कितना, 10,000 रुपया, ठीक है, कितना अनुदान राशि, याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये का अनुदान राशि दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रतिवर्ष ना, याद रखिएगा, ये प्रतिवर्ष है, और ये 2 किस्तों में दिया जाएगा, 2 किस्तों में ये 10,000 रुपये दिया जाएगा। प्रदेश के जितने भी समस्त अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ पर इस योजना को चलाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो योजना का जो नोडल होगा, ठीक है, इस योजना का जो नोडल होगा वो CEO, जनपद का जो CEO होता है ना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, CEO जनपद, उसको इसका नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2023 से। अच्छा, 21 मार्च 2023 को क्या शुरू किया गया था, तो मैं पहले के जो करंट अफेयर्स उसमें पढ़ा चुका हूँ कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किया गया था 21 मार्च 2023 को। 1 मई 2023 को क्या शुरू किया गया है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, ठीक है, इसका शुरुआत 1 मई 2023 से किया गया था। वहीं 8 मार्च 2023 को क्या मनाया गया था, तो यहाँ इस दिन कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया गया था, कौशल्या मातृत्व योजना का शुरुआत किया गया था। जैसे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब किया गया था, 13 अप्रैल 2023 को। तो यहाँ पे एक और योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, इसका शुरुआत किया गया था 20 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को ये, और उसके 7 दिन बाद 20 अप्रैल 2023 को इस योजना की शुरुआत किया गया था। तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। इस अच्छा जो
1 मई 2022 को क्या और 3 फरवरी 2022 को और 8 मार्च 2022 को क्या शुरू किया गया था? तो 1 फरवरी को अभी पहले बता चुका कि 1 मई 2022 को याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2022 को किया गया था, ठीक है। इससे इसके अंतर्गत राज्य का जो 14 नवनिर्मित, ठीक है, राज्य का जो, अच्छा ठीक है, 1 मई 2022 को इसकी शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री मितान योजना, और जो राज्य में कुल जो 14 नगर निगम है ना उसमें इसको लागू किया गया था, ठीक है। और इसकी इसकी सहायता से 13 प्रकार के सेवाओं को चलाया जा रहा है या फिर सेवाओं को मितानिनों के माध्यम से दिया जा रहा है। और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया जो कि 14545, ये एक टोल फ्री नंबर है मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत, ठीक है। 3 फरवरी 2022 को क्या था? तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलाया गया था, याद रखिएगा राजीव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें पूरा देखा जाए तो जो पात्र आवेदक थे वो 3.55 लाख थे, 3.55 लाख थे। इसके अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन किसान को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा था, कितना? 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, और 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके दिया गया था, ठीक है। तो ये इसी के अंतर्गत हो गया था। और 2 अक्टूबर 2022 को क्या, तो अभी पीछे हम देखे थे क्या, रीपा, ठीक है, रीपा जो कि क्या था, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का स्थापना किया गया था, वो 2 अक्टूबर 2022 से शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि 300 औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में चयनित गोठान है, ठीक है, उसका यूज़ किया जाए, आजीविका का केंद्र बनाया जाए उसको, ठीक है। तो 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का स्थापना किया जाएगा ताकि गोठानों का आजीविका का केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके, ठीक है। और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जितने भी विकास खंड है उसमें 2-2 रीपा का स्थापना किया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक विकास खंड के अंदर 2। और इसी क्षेत्र इसी योजना के अंतर्गत अगर देखोगे तो कुलगांव जो गांधी ग्राम है कांकेर का उसको, ठीक है, ये प्रथम बनाया गया था, ठीक है, प्रथम औद्योगिक केंद्र औद्योगिक पार्क का स्थापना कहाँ किया गया था? कुलगांव गांधी ग्राम के अंदर, ठीक है। और 8 मार्च 2022 तो हम देख ही लिए पीछे क्या था, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो ये था 16वां प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और 17वां प्रश्न जो है हमारा, वह छत्तीसगढ़ में संचालित निजात अभियान का उद्देश्य क्या है? जो निजात अभियान छत्तीसगढ़ के अंदर चलाया गया तो उसका क्या उद्देश्य, किस लिए बनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना। ये निजात अभियान का क्या था? उद्देश्य था नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकना, इसका उद्देश्य था। अच्छा, घुमंतू बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, इसके लिए कौन सा? तो बाल जतन अभियान का शुरू किया गया था, बाल जतन अभियान, जो घुमंतू बच्चे होते हैं, जो कचरा बीनते रहते हैं, उन सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बाल जतन अभियान की शुरुआत किया गया था। और शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन सा योजना? सुराजी अभियान, ये तो आपको पता है, ठीक है, सुराजी अभियान चलाया गया था। और मवेशियों को खरीफ फसलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोका छेका अभियान, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार, रोका छेका अभियान, ठीक है, खरीफ फसलों से जो फसल है उनको मवेशियों से बचाने के लिए इसको चलाया गया था। एक ऑपरेशन विकास भी चलाया जा रहा था जो बस्तर के पुलिस द्वारा, ताकि जितने भी निर्माण कार्य उस क्षेत्र में है वो सुचारू और अच्छे तरीके से हो सके नक्सलियों के प्रभाव को रोकते हुए, ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन विकास बस्तर पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये था 17वां प्रश्न। 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है, खेलो इंडिया 2023 के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इसका शुभंकर आशा और मोगली तथा इसका थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये था, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रथम स्थान महाराष्ट्र को और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ, नहीं ये वाला गलत है, इसमें प्रथम स्थान महाराष्ट्र को तो मिला ये सही है, परंतु जो दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ को नहीं मिला था, छत्तीसगढ़ को 22वां स्थान मिला है, याद रखिएगा कौन सा? छत्तीसगढ़ को 22वां स्थान यहाँ पर मिला है। तो ये वाला ही हमारा असत्य था, छत्तीसगढ़ को 2 स्वर्ण 2 रजत और 8 कांस्य पदक प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और नारायणपुर के राकेश कुमार वर्धा को मलखंब में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, ये भी सही है, ठीक है। तो ये खेलो इंडिया जो 2023 था इसका पहला किसको मिला? तो ये महाराष्ट्र को मिला है, तो हमको पता ही है। अच्छा, या इसके लिए जो खेलो इंडिया 2022 था इसमें जो मशाल जलाया गया था ये एक्चुअली में कहाँ हुआ था? तो याद रखिए ये एमपी में हुआ था,
ठीक है, एमपी में, और जिसमें मसाल था उस मसाल का नाम अमरकंटक रखा गया था, अमरकंटक, ठीक है। तो ये 18वां प्रश्न हो गया। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प है कौन सा, लेफ्ट में हमको खेलो इंडिया सेंटर और लास्ट में सेकेंड राइट साइड में हमको स्थान का नाम दिया गया है कि कौन सा खेलो इंडिया सेंटर जो है सुमेलित है अपने स्थानों से। देखिए अभी क्या है कि छत्तीसगढ़ में अंदर ना, छत्तीसगढ़ के अंदर 10 नया खेलो इंडिया सेंटर बनाया गया है, ठीक है, खेलो इंडिया सेंटर बनाया गया है, और इससे पहले 14 और था, ठीक है, बनाया जा चुका था। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 24 खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण हो चुका है, ठीक है। तो यहीं पे हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित है, नहीं है, असुमेलित पहचान करना है। तो जो कुश्ती सेंटर है वो बेमेतरा में नहीं है, ठीक है, कुश्ती सेंटर यही वाला हमारा एक्चुअली असुमेलित है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, सुमेलित है। कुश्ती सेंटर बेमेतरा में न होके ये धमतरी में, याद रखिएगा, धमतरी में एक कुश्ती सेंटर बनाया गया है। बेमेतरा में क्या बनाया गया है, तो कबड्डी सेंटर बनाया गया है, ठीक है, कबड्डी सेंटर कहाँ, तो ये बेमेतरा में बनाया गया है, और धमतरी में कुश्ती। तीरंदाजी सेंटर जो है दंतेवाड़ा में, सही है, दंतेवाड़ा और महासमुंद में, दो जगह में, ठीक है, दंतेवाड़ा और महासमुंद में तीरंदाजी सेंटर। फुटबॉल सेंटर जो है सूरजपुर में बनाया गया, बिल्कुल सही है, सूरजपुर के साथ साथ बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर हो गया, मुंगेली और कोरबा, मुंगेली और कोरबा, ये सभी स्थानों पर फुटबॉल सेंटर बनाया गया है। और जो हॉकी है वो, ठीक है, बिल्कुल बस्तर और जांजगीर चांपा में, ठीक है, बस्तर और जांजगीर चांपा में हॉकी सेंटर बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 24, 10 नया, और ये ऐसा कुछ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न, ये आज का हमारा 20वां और लास्ट प्रश्न है, जो कि अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, स्पीड स्केटिंग, क्रिकेट और भारोत्तोलन। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, भारोत्तोलन, ठीक है। ये जो ज्ञानेश्वरी यादव है ये राजनांदगांव की हैं, ठीक है, और ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है ये, ठीक है। इन्होंने 2022 में कई तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी इन्होंने जीता, इसलिए फेमस नाम है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैडमिंटन के लिए आप याद रखिएगा आकर्षि कश्यप, ठीक है, आकर्षि कश्यप जो 2022 में बर्मिंघम में जो बर्मिंघम में जो आयोजन हुआ था खेल का, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम का, उसमें भी इन्होंने रजत पदक जो है प्राप्त किया था इन्होंने, तो याद रखिएगा बैडमिंटन के लिए आकर्षि कश्यप। स्पीड स्केटिंग का नाम याद रखिएगा अमितेश मिश्र, ठीक है, अमितेश मिश्र, ठीक है, अमितेश मिश्र किससे संबंधित है, स्पीड स्केटिंग। और क्रिकेट का तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो लोग का नाम याद रखिएगा, क्योंकि जो अभी जो वर्तमान में जो IPL हुआ, ठीक है, 2023 का जो IPL है ये कौन से क्रम का था, ये 16वां क्रम का IPL था, ठीक है। इस 16वें क्रम का जो IPL है इसमें छत्तीसगढ़ के दो खिलाड़ियों को चयनित किया गया था, एक का नाम था हरप्रीत सिंह भाटिया, हरप्रीत सिंह भाटिया, ठीक है, इनका जो बेस प्राइस था वो 40 लाख था, ठीक है, 40 लाख रुपए में इनको किंग्स इलेवन पंजाब में, ठीक है ना, याद रखिएगा, किंग्स इलेवन पंजाब में इनको खेलने को मिला। और वहीं जो दूसरे हैं उनका नाम था अजय मंडल, ठीक है, अजय मंडल, इनका बेस प्राइस जो था वो 20 लाख रुपए था, ठीक है, 20 लाख। और ये CSK चेन्नई सुपर किंग्स से के साथ इन्होंने खेला, और आपको पता ही है कि इस बार का जो IPL है उसका विजेता कौन है, CSK है, चेन्नई सुपर किंग, और ये 5वीं बार, ठीक है, मुंबई इंडियंस भी 5 बार खेल जीत चुका है, और CSK भी ये 5वीं बार जीत चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने 20 महत्वपूर्ण MCQ का देखा। अगर आप वीडियो को पॉज करके बना रहे होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपका कितना सही हो सकता है या हुआ होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका अगला पार्ट भी मैं नेक्स्ट वीक में आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।